सर ऐसा होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं और ब्लूम टैक्सोनॉमी पर बात करते हैं तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव पर आकर हमारी बात खत्म हो जाती है। इफ यू सी द अफेक्टिव डोमेन, इट वॉज फर्दर इलेबोरेटेड बाई ग्रेथवाल इन 1964, एंड दिस डोमेन बेसिकली इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील विद द थिंग्स इमोशनली, लाइक इट टॉक्स अबाउट फीलिंग, इट टॉक्स अबाउट वैल्यूज, इट टॉक्स अबाउट एप्रिसिएशन, इट टॉक्स अबाउट एंथुसियाज्म, इट टॉक्स अबाउट मोटिवेशन, इट टॉक्स अबाउट एटीट्यूड। कॉग्निटिव डोमेन टॉक्स अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेसेस, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। या ओल्ड मॉडल में जाए तो नोइंग, देन कॉम्प्रिहेंडिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इवेल्युएशन। दिस डोमेन टॉक्स अबाउट द इमोशंस, फीलिंग, वैल्यूज। सो इट इज अगेन हायरार्किकल इन नेचर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, लाइक द अर्लियर एग्जांपल। और ये माना जाता है कि जो जितने उच्च स्तर के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है उतना उसका उस ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्वमेंट या कमिटमेंट ज्यादा हो जाता है। ये जो क्रेथवाल ने लेवल दिए इसमें रिसर्विंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, ये पांच लेवल्स की उन्होंने बात की। लेट अस टॉक अबाउट ईच वन ऑफ। व्हाट डू मीन बाय रिसीविंग? रिसीविंग मीन्स इट रेफर्स टू द लर्नर्स सेंसिटिविटी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टिमुलाई। मीन्स इफ अ लर्नर इज अवेयर, इफ ही और शी इज विलिंग टू रिसीव और सिलेक्ट अटेंशन, सो द एक्शन वर्ब्स आर लाइक ही कैन फील, ही कैन सेंस, ही कैन कैप्चर, ही कैन एक्सपीरियंस, ही कैन परस्यू, ही कैन अटेंड, ही कैन परसीव। देर इज अ वेरी गुड बुक ऑफ टेक्सोनॉमी एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाय क्रेथवाल एंड ब्लूम इन 1964. So you can read this book. This book is available even online also. So in this book, this affective domain classification has been suggested. I have given the reference at the bottom of the slide. Second is responding. Responding includes learner's active attention to the stimuli and his or her motivation to learn. अर्थात विद्यार्थी सीखने के लिए कितना motivated है, कितना actively attentive है। जब हम इस आयाम की बात करते हैं तो इसमें एक्विसेंस आती है, बिलिंग रिस्पॉन्सेज आते हैं, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। तो इसके लिए हम एक्शन वर्ब्स कैसे यूज करते हैं? कंफर्म, अलाउ, कोऑपरेट, कंट्रीब्यूट, एंजॉय, सेटिस्फाई, ऑल दैट। अभी हम इनके भी ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करके आपको दिखाएंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम होते हैं। देन वैल्यूइंग। वैल्यूइंग रेफर्स टू द लर्नर्स बिलीव और एटीट्यूड ऑफ बर्थ एक्सेप्टेंस, प्रेफरेंस और कमिटमेंट। कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो घटना घट रही है, यानी विद्यार्थी उसकी एक्सेप्टेंस, उसके मूल्य को स्वीकार कर रहा, उसके प्रति कमिटेड है। सो एन एक्सेप्टेंस, प्रेफरेंस एंड कमिटमेंट टू अ वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूइंग डोमेन। तो यहां हम कैसे एक्शन वर्ब यूज करते हैं? बिलीव, सीक, जस्टिफाई, रिस्पेक्ट, सर्च, परसुएड एंड ऑल दैट। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन, चौथे लेवल का ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव डोमेन। सो इट रेफर्स टू द लर्नर्स इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव। कि उसने जो वैल्यूज और बिलीव डेवलप की हैं, उसको आत्मसात कितना किया, आत्मसातीकरण है। तो ना केवल वैल्यूज का कंसेप्चुलाइजेशन, बल्कि अपने अंदर एक वैल्यू सिस्टम का डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, ये इसमें आता है। तो इफ अ लर्नर इज एबल टू एग्जामिन, क्लैरिफाई, सिस्टमेटाइज, क्रिएट और इंटीग्रेट, वे पुट दीज एक्शन पर। लास्ट इज कैरेक्टराइजेशन और इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू। सो इट रेफर्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन व्हेन यू मेक इट एट एज ए हैबिट एंड इट इंक्लूड्स द जनरलाइज सेट ऑफ वैल्यू एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ फिलोसफी अबाउट लाइफ। तो इस लेवल पे लर्नर क्या करते हैं? इस लेवल पे अगर लर्नर उन्होंने जो भी सीखा है उसको अपनी लाइफ में उतार कर उसको प्रैक्टिस बना लेते हैं, उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसके आधार पर किसी समस्या का रिजोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, किसी चीज को जज कर सकते हैं, तब वो इस लेवल पर आते हैं। आइए देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं। रिसीविंग लेवल। स्टूडेंट्स विल बी विलिंग टू फॉलो द प्रैक्टिसेस, द प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस के लाभ विद्यार्थियों को बताए और विद्यार्थी उन लाभों को प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, तो वह रिसीविंग केस का मतलब उन्होंने उनके लाभों को स्वीकार कर लिया है। स्टूडेंट्स विल पे अटेंशन ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ डेंजर ऑफ इरोजन। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि जब हम रिसीविंग लेवल के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम किस तरह की भाषा रखते हैं। रेस्पॉन्डिंग लेवल पर देखते हैं। स्टूडेंट्स विल बी विलिंग टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज।
तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली अफेक्टिव डोमेन का है, हम उनकी फीलिंग इमोशंस इन सब के डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं। तो यदि हमारे विद्यार्थी हमारे पास आकर ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस एंड दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, इट मीन्स दे आर रेस्पॉन्डिंग। स्टूडेंट्स विल बी विलिंग टू प्रैक्टिस यूजिंग ऑसिलोस्कोप। मैंने साइंस से एक एग्जाम्पल लिया, तो मैंने अलग अलग डायमेंशन से एग्जाम्पल लेकर ये समझाने की कोशिश की है। देन द थर्ड इज बेलिविंग। स्टूडेंट्स विल डेवलप एटीट्यूड टू सपोर्ट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टिंगचिन लैंग्वेज। तो एटीट्यूड डेवलपमेंट बेलिविंग लेवल का ऑब्जेक्टिव है। हम लोग अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव अक्सर अवॉइड कर देते हैं, हमारे साथ ये दिक्कत होती है, बट अगर अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें अफेक्टिव लेवल के ऑब्जेक्टिव को उन्हीं के भाषा में बनाना चाहिए। जैसे यदि एक अध्यापक हिंदी या अंग्रेजी की कक्षा में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाना चाहता है और यदि विद्यार्थी उसके प्रति एक सपोर्टिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और उस सपोर्टिव एटीट्यूड विद्यार्थियों में डेवलप करने के लिए यदि अध्यापक कुछ करना चाहता है तो फिर वो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकता है। स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट वॉलेंटरली इन कलेक्टिंग यूज गुड्स टू बी मेड सिंपल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। अगर वो वॉलेंटरली कुछ करने को तैयार है इसका मतलब कि उन्होंने इस कंसेप्ट को वैल्यू दे दिया है। देन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट विल फॉर्मुलेट अ वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव वेज टू रेज फंड्स एंड चूज द अल्टरनेटिव्स दैट द पब्लिक अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू सिस्टम एंड ओवरकम द कोस्टल इरोजन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेंटेन द बेसिस ऑफ व्हाई समवन एग्रीज विद द स्टडी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड एट प्राइमरी स्कूल। ये एग्जाम्पल देखिए, हम कक्षा एक से मान लीजिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनको अंग्रेजी भाषा पढ़ाना वो उनकी सेकेंड लैंग्वेज, तो अगर इसके महत्व को कोई मानता है और उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और वो इसके बेसिस को मेंटेन करने को तैयार है आपके विद्यार्थी ट्रेनी टीचर्स, तो इसका मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है, स्टूडेंट विल शो द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड बाय मेंशनिंग अ टेस्ट ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस बिफोर एक्सेप्टिंग इट। इट मींस दे हैव कैरेक्टराइज्ड इट दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट टेस्टिंग, सो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स विल रिजेक्ट अथॉरिटेरियन एटीट्यूड इन द फील्ड वर्किंग ग्रुप। इट मींस अगेन दे हैव कैरेक्टराइज्ड दैट इफ वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप इन एनी फील्ड वर्क वी शुड वर्क कोऑपरेटिवली। So if someone is doing some authoritative behavior and the students are going to reject it, it means they have characterized the concept of cooperative learning. That's why they are able to reject the authoritarian attitude. So this comes under characterization. Then comes the psychomotor domain or skill domain, deals with manual or physical skill. जब हम psychomotor domains की बात करते हैं, ये एक तरह का skill domain है। ये जो फिजिकल स्किल्स है, मैनुअल स्किल्स है, उनकी बात करता है। ये डूइंग डोमेन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये गांधी जी का हैंड है। स्पेसिफिक टू डिस्क्रीट फिजिकल फंक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, इंटरप्रेटिव मूवमेंट्स की बात करता है। मजे की बात ये है कि इस डोमेन को लेकर के कोई भी एकमतता नहीं है और तीन विद्वानों ने अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन दिए हैं। हैरो ने दिया, डेव ने दिया, सिम्पसन ने दिया। मैं आज डेव के क्लासिफिकेशन को आधार बनाऊंगा, हालांकि चर्चा हैरो और सिम्पसन के एटीट्यूड की भी करूंगा थोड़ा सा। साइकोमोटर डोमेन में इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रसीशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, ये पांच आयाम हैं जो डेव के क्लासिफिकेशन में है। आइए इनकी थोड़ा सा बात करते हैं, ये क्या है। फर्स्ट इज इमिटेशन, ऑब्जर्विंग एंड कॉपिंग अनदर्स एक्शन और स्किल। तो यदि आपने कोई कार्य, मान लीजिए कोई एक्टिविटी करके दिखाई, क्लास में कुछ करके दिखाया और आपके विद्यार्थी उसको वैसे ही कर पाते हैं, उसको कॉपी कर पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं, उसको रिपीट कर पाते हैं, उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं, खासतौर पर लेबोरेटरी एक्टिविटीज में, मैथमेटिक्स में, तो स्किल डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा बनते हैं। तो ऐसे में आप इमिटेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर। सेकेंड इज मैनिपुलेशन, रिप्रोड्यूसिंग एक्शन और स्किल थ्रू इंस्ट्रक्शन। अर्थात अब आपने उनको कुछ करके नहीं दिखाया, यू हैव जस्ट गिवन देम सर्टेन इंस्ट्रक्शंस and they are ready to build, execute, implement, perform or recreate whatever you have written or whatever you have told them through your instructions. Then it comes the manipulation level up. Then third level is precision. Precision means the accurately executing of the actions and skills on their own. पहले दोनों लेवल में
मतलब जो इनिशियल टू लेवल थे जिनकी मैं बात कर रहा था, मैनिपुलेशन और इमिटेशन, यहां आपका सपोर्ट है। फर्स्ट में आप करके दिखा रहे हैं, सेकेंड में आप केवल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, थर्ड लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपका विद्यार्थी स्वयं करने लगता है। दे कैन कैलिब्रेट, दे कैन कंप्लीट, दे कैन कंट्रोल, दे कैन डेमोन्स्ट्रेट, दे कैन इंप्रूव एंड परफेक्ट समथिंग, और दे कैन शो सम स्किल्स। देन इट इज द प्रिसीजन लेवल ऑफ अप। देन कम्स द आर्टिकुलेशन लेवल। सो आर्टिकुलेशन इंक्लूड्स बेसिकली नॉट अ सिंगल स्किल, बट इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्किल। सो यू हैव टॉट देम, यू हैव टेल देम, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सर्टन स्किल्स, एंड इफ दे आर एबल टू do a integration. For example, I'm taking one example from the teacher training, that there was a time when we were spending a lot of time in micro teaching. Now micro teaching is nowhere in the constructivist approach, but earlier it was a part of teacher training program. So one day we were teaching to our students how to write on blackboard, how to stand in classroom, how to ask questions to the students, how to use your body language, and all these questions were right. But if a student is able to integrate all these skills while he or she is starting his or her teaching in the classroom, it means he or she is able to articulate. So adoption, combination, construction, coordination, development, formulation, integration, mastery and modifications, all are the action verbs which we use at articulation level. Then comes the naturalization. Naturalization is a part of habit again. आप जब कोई नई स्किल सीखते हैं तो पहले आप किसी को दोहराकर सीखते हैं, फिर आप इंस्ट्रक्शंस को सीखते हैं, फिर आप उसको खुद करके देखते हैं, फिर आप उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस स्किल में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। यू स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट एट द हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल। सो इफ यू आर एबल टू डिजाइन, इन्वेंट, मैनेज, प्रोजेक्ट, स्पेसिफाई टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, देन दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन, बिकॉज इट हैज बीन नेचुरलाइज्ड इन योर हैबिट। So it is equivalent to the habit formation of affective domain, and here it called natural. एक और classification है जो Simpson ने दिया, उसमें perception, set, guided response, mechanism, complex, overt, adaptation and origination है। ये भी उसी level, उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसकी मैं detail में चर्चा नहीं करूंगा। और जो Harrow का classification है, उसमें उन्होंने बात की reflex movement, fundamental movements, perceptual abilities, physical abilities, skilled movement and non-discursive. अगर आप डेव के क्लासिफिकेशन को फॉलो करके भी ऑब्जेक्टिव बना पाते हैं तो इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। लेट अस फ्रेम सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर साइकोमोटर डोमेन। इमिटेशन, स्टूडेंट्स कैन बे ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट्स एप्रोप्रिएटली। आपने बच्चों को बताया, मान लीजिए केमिस्ट्री का क्लास है, फिजिक्स का क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउ टू यूज ए केमिकल बैलेंस, हाउ यू कैन वे सॉल्ट इफ यू आर आस्क देम टू वे 2.3238 ग्राम्स। So can they weigh 2.3238 grams accurately? If you show them, demonstrated them and they are copying you, your objective will be achieved. A student can position a scale to zero before measurement with an ammeter. So ammeter ki, jo aap logon ne physics ke student hai, wo jante hai ki uski sui hili rehti hai. So if students are able to manage it at the zero before starting a measurement, it means they are imitating your steps. Similarly, manipulation. I have taken mostly examples from science. A student using manual oscilloscope can operate correctly. That is called manipulation. The students can turn a computer by reading the manual or verbal explanation. आप अपने दूसरा example ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई instrument दिया है और उसका एक manual है। अगर विद्यार्थी उस manual को पढ़कर या आपके verbal explanations को लेकर उस instrument को, उस computer को, उस mobile को, इस software को run कर सकते हैं, it means they have achieved the manipulation level of objective. Then precision. If they can do it on their own, for example, it is an example, students with proper placing layer convex lens, optical bench, candle at a distance and determine the nature of convex lens set. जो लोगों ने physics के experiment lens के किए हैं, वो जानते हैं कि एक optical bench होती है, bench पर एक जगह हम lens लगाते हैं, एक side में हम candle या object रखते हैं और उसकी placing करते हैं कि वो focus पर होगा, 2F पर होगा, और फिर हम उसकी image देखते हैं कि कहाँ बनेगी, कहां इमेज डबल बनेगी, कहां इमेज सीधी बनेगी, कहां इमेज इन्वर्टेड बनेगी। फिजिक्स में हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऑप्टिकल बेंच पर। आपके विद्यार्थी भी 9th-10th में करेंगे, मोस्टली सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में तो करते ही हैं। तो यदि स्टूडेंट ये सब अपने आप कर पा रहे हैं, वो लेंस को प्रॉपर प्लेस कर पा रहे हैं, कैंडल को प्रॉपर प्लेस कर पा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव डेवलप्ड द प्रिसीजन लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव।
Students are able to type the data into database without making mistakes. It is again a precision level objective. Then articulation level. आपने स्टूडेंट को बताया कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, आपने उसको नहीं बताया कि इसको स्टेटिस्टिक्स के लिए कैसे यूज करना है। लेकिन अगर कैलकुलेटर हाथ में आते ही स्टूडेंट कैलकुलेटर को मैथमेटिक्स की बजाय स्टेटिस्टिक्स के लिए भी यूज करने लगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। स्टूडेंट्स कैन स्केच बायोमेटल एक्सपेरिमेंट मॉडल एक्यूरेटली, कुछ डिजाइन करने लगे, कुछ बनाकर देने लगे। नेचुरलाइजेशन मीन्स इफ दे कैन ऑपरेट द प्रोग्राम डेटा बेस्ड स्मूथली, मीन्स दे विंटलाइज इफ दे आर एबल टू रन एनी सॉफ्टवेयर, इफ दे आर एबल टू design anything, if they are able to demonstrate some practices, if they are even in dance and music, if our students are able to dance smoothly on any song, on any music, without even giving them any hint of the postures which they need to follow, it means they have naturalized the skill of dancing, they have naturalized the steps of dancing. So now with the theme, now with the taal and rhythm, they are able to characterize that what kind of step I should take. So that is called naturalization or highest level of objective. So with this, what I want to tell you, the dear students, today I have discussed about some basic ideas about the how to frame educational objective in different domains, cognitive, affective and psychomotor domain. I have given you certain idea about the old taxonomy as well as the new taxonomy of Bloom and Anderson approach. I have talked about affective domain objectives and psychomotor domain objectives. Remember my 3-4 keywords at the end, that objective depend upon the content, objective depend upon your intention. The same for the same content, the objective for class 6 may not be the objective for class 9 or class 10. So who is your audience? A. Behavior, what kind of change you want, where it will take place, condition, and up to what degree, up to what extent you want to achieve and test the objective, that is your degree. So follow the ABCD approach, follow the Magers 3-step, prepare a table on which you can put knowledge dimension and process skill dimension, that is a 2-dimension table, and frame your approach. Do some experiment, do some exercise, do some practice, play with your subject, find out some content, make exercise. Let us do this week framing objectives. रोज बैठ के 2 objective, 4 objective, 5 objective बनाइए और फिर ये वीडियो देखकर इसमें जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको ध्यान में रखकर एक्सपेरिमेंट करिए, आप निश्चित तौर पर अच्छे ऑब्जेक्टिव्स बना पाएंगे।